मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की आवश्यक ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर सतना जिले के 10 अधिकारी कर्मचारियों को सजा भुगतनी पड़ी है। उन्हें लापरवाही बरतना महंगा पड़ गया। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने ड्यूटी से नदारद कर्मचारियों को निलंबन का नोटिस थमा दिया है। जानकारी के मुताबिक विधानसभा निर्वाचन के लिए गठित की गई मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी से संबंधित प्रकोष्ठ में तैनात किए गए 10 अधिकारियों कर्मचारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने नोटिस जारी कर निलंबन की चेतावनी दे दी है। सभी से जवाब तलब किया गया है और इसके लिए उन्हें 24 घंटे की मोहलत दी गई है। जिन्हें नोटिस जारी किया गया उनमें नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी और सहायक ग्रेड 2 अनिल श्रीवास्तव, प्राथमिक शाला चौरा भूमखर के शिक्षक रामसिया कोल, वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक प्रभाकरण प्रकाश, रघुराज नगर तहसील के सेक्टर राइटर, राजनगर तहसील के सेक्शन राइटर ब्रिजेश खरे, जिला पंचायत के सहायक ग्रेड 3 कुलदीप सिंह, महिला बाल विकास की सहायक ग्रेड 3 शशिबाला कबीरपंथी, कृषि विभाग के तकनीकी सहायक पुष्पेंद्र पाल, महिला बाल विकास की पर्यवेक्षक खुशबू प्रजापति, DIC के भृत्य मोनू रेखवार और RES के भृत्य राम प्रकाश सैन शामिल हैं। इन सबकी ड्यूटी MC प्रकोष्ठ में निर्वाचन कार्य के मद्देनजर प्रदेश में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही लगा दी गई थी, लेकिन इन अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इनकी गैरहाजिरी को स्वेच्छाचारिता और निर्वाचन कार्य में लापरवाही मानते हुए जवाब तलब किया है और सस्पेंशन की चेतावनी दी है।